सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति में। मैं हूं राजकिशोर। विविधता में एकता, भारत की व्याख्या इसी तर्ज पर होती आई है। लेकिन अगर सियासी और चुनावों के लिहाज से इस विविधता को देखें तो कई चुनौतियां हैं, जिसमें चुनाव का खर्च, सरकारी खजाने पर बोझ और आचार संहिता की वजह से लगने वाले विकास के कामों पर ब्रेक जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं, जिन्हें लेकर मोदी सरकार लगातार मंथन कर रही है और मानकर चल रही है कि सभी दलों और राज्यों की सहमति बनी तो कम से कम विकास के लिहाज से वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला होता है तो ये राष्ट्रहित में होगा। हालांकि सरकार से अलग विपक्ष की अपनी चिंताएं हैं, इनमें सपा, डीएमके और टीएमसी जैसे क्षेत्रीय छत्रप हैं, तो वहीं बीएसपी और वाम दलों जैसे राष्ट्रीय संगठन भी। व्यवहारिक तौर पर ये लोग इस फैसले के विरोध में हैं। इन सभी की दलील है कि फैसले से संघीय ढांचा बदल जाएगा। इसके साथ मुद्दों के साथ होने वाली प्रदेश की सियासत को लेकर भी विपक्ष के दल काफ़ी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, जबकि इस मसले पर आगे बढ़ने के लिए सरकार के लिए संविधान संशोधन भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को हकीकत बना पाएंगे मोदी? सवाल ये भी मायावती, ममता और अखिलेश जैसे विरोधियों को कैसे समझाएंगे पीएम, और साथ ही एक चुनाव के संवैधानिक पेंचों से कैसे निपटेगी मोदी सरकार? इन सवालों पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर ओम बिरला की ताजपोशी से गदगद मोदी सरकार की फिक्र अब वन नेशन वन इलेक्शन है, जिसके लिए पीएम मोदी की अगुवाई में बैठक बुलाई गई। इसकी कवायद का मकसद बेहद साफ है कि देश में राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों को एक ही वक्त पर कराया जा सके। सरकार की इसके पीछे मंशा चुनावों के खर्चे से बढ़ने वाला बोझ कम करना है और आचार संहिता के चलते वक्त की कमी चुनौतियों से बचते हुए विकास की रफ्तार को बरकरार रखना है। सरकार की इस कवायद को बीजेपी और उसके सहयोगी नेक इरादा मान रहे हैं। अगर आप देखें तो हर महीने, हर दो महीने में कहीं न कहीं देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होता रहता है। कभी विधानसभाओं के चुनाव, तो कभी लोकसभा का चुनाव। तो आज देश पर जो इन चुनावों का बोझ है वो कैसे कम हो सके और उस वक्त जो खर्च होते हैं उसका देश के विकास, देश के लोगों के विकास में कैसे खर्च हो सके, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। सिर्फ पार्टी के ही नहीं, सहयोगी भी इसे देश हित में बता रहे हैं। हम लोग तो शुरू से साथ में हैं, जो सरकार का स्टैंड है उसके साथ में है, और उससे सब चीज का बचत होगा, पैसा का बचत होगा, समय का बचत होगा, और ये विकास का काम अवरुद्ध हो जाता है ये जो कोड ऑफ कंडक्ट के कारण, वो क्या कहते हैं, खत्म हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तैयारी की जा चुकी है। इसको लेकर सीएम योगी के निर्देश पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। नहीं, एकदम संभव है। ये पहले होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, शुरुआती दौर में तो होता ही था आजादी के बाद, तो वो हम लोग कर सकते हैं। उस दिशा में जाने के लिए एक कट ऑफ डेट लानी पड़ेगी हमें। यूपी में भले ही तैयारी हो, मगर यूपी की दो बड़ी पार्टियों सपा और बसपा ने बैठक में जाने से इनकार कर दिया है। बसपा ने तो इसे छलावा बताया है कि वादों पे ज्यादा काम हो और ये जो फैसले हैं वन नेशन वन इलेक्शन, इससे तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे दल हैं जो कभी पक्ष में नहीं आएंगे। सपा बसपा ही नहीं बल्कि टीएमसी, टीडीपी और डीएमके के साथ ही वाम दलों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन पार्टियों ने दलील दी है कि फैसला अव्यवहारिक है और ये प्रेसिडेंशियल शिप की ओर ले जाने वाला है। मिनिस्टर विल बी अटेंडिंग द ऑल पार्टी मीटिंग, दिस इज वन ऑफ द आइटम्स ऑन द एजेंडा। इन कंट्री लाइक इंडिया वेयर यू हैव ट्रेमेंडस डाइवर्सिटीज एंड यू हैव वेरिएशंस इन डिफरेंट स्टेट्स एंड दिस इज अनरियलिस्टिक। दूसरी तरफ एनसीपी बैठक में हिस्सा लेने को तैयार हुई, मगर वो इसे व्यवहारिक मानने को तैयार नहीं है। ये विचार अच्छा है। 1957 तक इस देश में विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव साथ साथ हुए, उसके बाद से विधानसभाओं का भंग होना आरंभ हुआ, लोकसभा अवधि की पूर्व भंग हुई। अब राजनीतिक बहुलता भारत में, इसलिए व्यावहारिक रूप से एक देश एक चुनाव को लागू करना संभव नहीं। वैसे मोदी सरकार की चुनौती सिर्फ विरोधियों को मनाना ही नहीं बल्कि संविधान से जुड़ी पेचीदगियों को भी दूर करना होगा।
क्योंकि 1967 के बाद से एक देश एक चुनाव का मौका नहीं आया। लंबे समय से अव्यवहारिक हो चुकी प्रक्रिया को वापस पटरी पर लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके तहत कई राज्यों की सरकारों का न केवल कार्यकाल बढ़ाना होगा बल्कि कई का समय से पहले खत्म करना होगा, जिसे लेकर राज्य सहमत होंगे इसे लेकर शक है। इसके अलावा संविधान में संशोधन की स्थिति में सरकार जरूरी समर्थन सदन में जुटा पाएगी, खासकर राज्यसभा में, फिलहाल आसान नहीं दिखता। हालांकि सरकार के लिए राहत ये है कि इसे लेकर होने वाली विपक्ष की बैठक भी रद्द हो गई, यानी मसले पर विपक्ष भी एकजुट नहीं है। लेकिन फिर भी कई सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए ही होंगे। मसलन, वन नेशन वन इलेक्शन को हकीकत बना पाएंगे मोदी? मायावती, ममता और नायडू जैसे विरोधियों को कैसे समझाएंगे पीएम? एक चुनाव के संवैधानिक पेंचों से कैसे निपटेगी मोदी सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में साफ साफ आपने विपक्ष के तेवर भी देखे और सरकार की जो मंशा जो बताई जा रही वो भी देखी। और दिलचस्प बात है कि हम चर्चा शुरू करें अपने अन्य अतिथियों से, आपको तवरुफ कराएं, उससे पहले हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनाथ सिंह, जिन्होंने इस पूरे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी उत्तर प्रदेश की बनी थी वो रिपोर्ट सौंपी थी, उसके कर्ता धर्ता सिद्धार्थनाथ सिंह जी एबीपी गंगा से जुड़े हैं। सिद्धार्थनाथ जी, एबीपी गंगा पे आपका बहुत बहुत स्वागत और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल सिद्धार्थ जी, आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष के लोग लगातार इस बैठक का बहिष्कार भी कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने बुलाई है, और उन्होंने अपनी कुछ चिंताएं भी उठाई हैं। और जो मुझे याद आता है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे कृष्णामूर्ति जी, उन्होंने भी कहा था कि देखने में तो ये बड़ा आकर्षक लगता है लेकिन इसको जमीन पर लाने के लिए पहले संविधान संशोधन तो होगा ही होगा, बाकी भी कई व्यवहारिक दिक्कतें हैं। तो आपने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें तो आपने इसका अनुमोदन किया है, लेकिन एक राजनीतिक के तौर पर और जब एक मंत्री के तौर पर आप यहाँ बैठे हैं तो वाकई ये जो पूरी कवायद है ये सिर्फ सियासी है, आपको लगता है कि इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है? देखिए, इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है और ये संभव है। जो दिक्कतें आती हैं वो एक ढांचा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इलेक्ट्रल रोल्स को इकट्ठा एक साथ करके उनको एक जगह लेकर आना है, फिर नीचे तक के संविधान में संशोधन करना है, ये सब चीज़ पॉसिबल है, मुमकिन है। तो ऐसा नहीं कि ये नामुमकिन है, मगर इसका लक्ष्य जो बड़ा है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इतना बड़ा खर्चा होता है, इतना ही बड़ी मशीनरी लगती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस कहाँ से आती हैं, कहाँ तक की लग जाती हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं इस पर भी हम लोग को चिंता करनी चाहिए। और ये देश के हित में है, कोई जब हर साल खर्चा होता जाए, हर साल कोई ना कोई चुनाव हो, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आए, गवर्नेंस में दिक्कत आए, ये सब चीज़ें एक व्यवहारिक ये भी एक रूप लेती हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ने इस पर विस्तार दो ढाई महीने लेते, ऐसा नहीं कि एक दिन में बना दी थी, दो ढाई महीने में हम लोग की रिपोर्ट तैयार हुई थी। इसमें ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो रिटायर्ड थे, इसमें रिटायर्ड जजेस भी आए थे, इसके अंदर जुडिशियल जो लॉ यूनिवर्सिटी चलाते हैं उनके एक्सपर्ट्स भी रखे थे, राजनीतिक दृष्टि से मैं था, फिर उसके अंदर फॉर्मर सीईसी थे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए फिर हम लोग एक निष्कर्ष पे आए थे कि ये संभव है और ये देश हित में है। सिद्धार्थ जी, चूंकि अभी आप उत्तर प्रदेश की सियासत में आप बड़ा नाम है, वहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपने राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मीडिया सेल भी देखा हुआ है और तमाम राज्यों के प्रभारी भी रहे हैं, तो आप जिसको राष्ट्रीय राजनीति को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव और भले ही वामपंथी दल भी बैठक में शामिल होने गए हैं लेकिन अपने डिसेंट के साथ गए हैं, वहाँ पर वो इसके पक्ष में जाते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन सारे लोगों को ऑन बोर्ड लाना संभव होगा? क्योंकि बिना विपक्ष की अनुमति, क्या कहें, या उनके समर्थन के बगैर तो ये कवायद सफल होती दिखाई नहीं पड़ती। नहीं, देखिए, उनका ये तो लोकतंत्र है, इसमें आवश्यक है कि विपक्ष हो, पक्ष भी हो, और मगर उस पर आपकी चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के बाद जो एक कंसेंसस बने और वो मेजॉरिटी कंसेंसस होती है वो सब पे लागू होना चाहिए। मगर जब तर्क दे रहे थे तो मैंने इनके सबके आज तर्क भी सुने, कोई तर्क पता नहीं कहाँ, तो एक ही इनका तर्क जो है
जिसपे मैं कहूँगा थोड़ा सा होता है कि उनको लगता है कि भाई राज्य के राज्य जब चुनाव होते हैं विधानसभा के और लोकसभा के होते हैं, दोनों के मुद्दे अलग होते हैं जी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई आज का हमारा जो वोटर है वो इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, वो समझदार है, उसका विवेक अच्छा है, तो वो दोनों मुद्दों के साथ जाएगा। और ये हम लोग ने आज नहीं देखा है, आपके दो राज्यों के में अभी भी चुनाव जो हो रहे हैं लोकसभा के साथ होते हैं, आंध्रा में भी देखा है और आपने उड़ीसा में भी देखा है। अब लोकसभा में भारतीय जी मुझे लगता है जी हासिल नहीं हुई, ये कि लोगों के अंदर जो राज्य के चुनाव होते हैं और जनरल जो चुनाव होते हैं उसको अंतर करना और समझने की शक्ति हमारे वोटर्स के अंदर हमें लगता है कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया कुछ तकनीकी कारणों से। जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम उनके पास फिर से जाएंगे। लेकिन जो बात वो कह रहे थे कि देखिए जो विपक्ष की तरफ से एक तर्क दिया जा रहा है कि अगर लोकसभा और जो राज्य के चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग अलग होते हैं और उस हिसाब से एक साथ होने में शायद जनमत थोड़ा प्रभावित हो सकता है, लेकिन अगर हम नतीजे देखें, अगर उड़ीसा अभी हाल में ही चुनाव हुआ है तो उड़ीसा के नतीजों से तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर संसदीय चुनाव में अच्छी खासी सफलता मिली, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर नवीन पटनायक का जलवा बरकरार रहा। हमारे साथ अन्य अतिथि जुड़ चुके हैं, हमारे साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो में रमाकांत गौर जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और साथ में संविधान विशेषज्ञ हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से भी हमारे तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। और विपक्ष के जो ऐतराज हैं कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्यों राज्यों तक सीमित हो जाए, राष्ट्रीय राजनीति में पिछड़ सकते हैं क्षेत्रीय दल और कम संसाधन के साथ पूरे देश में एक साथ चुनाव लड़ने जैसी तमाम व्यवहारिक दिक्कतें हैं, तो हम जो आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इन सारी चीज़ों पर अभी हम सिद्धार्थनाथ सिंह जी से भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जैसे उनसे संपर्क होता है हमारे साथ रमाकांत जी स्टूडियो में मौजूद हैं। रमाकांत जी, ये जो बात सिद्धार्थनाथ सिंह जी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से देखिए, हमारे साथ स्क्रीन पर रमाकांत गौर जी के साथ साथ में रामदत्त त्रिपाठी जी लखनऊ से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं मनीष शुक्ला जी हैं और डॉक्टर पीएम त्रिपाठी हैं, संविधान विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। और मेरा पहला सवाल रमाकांत जी आपसे है, जो बात हम अधूरी रह गई, हमारी बात अभी सिद्धार्थनाथ सिंह जी से हो नहीं पाई, आगे चर्चा करेंगे जैसे वो हमसे जुड़ते हैं, ये कितना व्यवहारिक है? और जो एक बात कही जाती है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो एक समय बात करती थी राइट टू रिकॉल की, इस समय वो राइट टू रिकॉल की बात करती थी समाजवादियों के साथ, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने जब इसकी मांग की थी, लेकिन आज की तारीख में वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए कितना व्यवहारिक है और कितना संवैधानिक है, वाकई आपको लगता है कि ये संभव है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन किया है जी। उनके गुरु श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने वाजपेयी गवर्नमेंट के समय में ये प्रश्न उठाया था और ये बहुत चर्चा तब जोरों पर चली थी। तो जहाँ तक व्यवहारिकता का प्रश्न उठता है जी, अमेरिका में ये प्रणाली 1798 से मौजूद है जी, यूके में ये प्रणाली 2011 से मौजूद है, जर्मनी में ये प्रणाली लगातार चली आ रही है वन नेशन वन इलेक्शन की जी, भारत आज इस पर चर्चा कर रहा है जी। बहुत सारे विषय हैं यहाँ। रमाकांत जी, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, रोकना चाहता हूँ, चूंकि सिद्धार्थनाथ सिंह जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं तो मैं एक बार उनसे बात करके अपने अन्य अतिथियों के पास आता हूँ। आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए। सिद्धार्थनाथ जी, एक बार तकनीकी कारणों से हमारा आपसे संपर्क हट गया था, आप फिर आए तो एक जो बात अभी जी अभी जो बात रमाकांत जी कह रहे थे मैं भी इसी पर आना चाह रहा था कि देखिए, एक समय तो भारतीय जनता पार्टी राइट टू रिकॉल की बात करती थी, जो जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया की विचारधारा थी कि लोकतंत्र में जनता के पास ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन ये इस तरीके की जो व्यवस्था है, विपक्ष की चिंताएँ हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कमजोर विपक्ष है एक राज्य तक सीमित है वो किस तरीके से लड़ेगा और चुनाव आजकल बहुत खर्चीले हो गए, तो ऐसी स्थिति में ये सिर्फ क्या भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से मुफीद व्यवस्था बन रही है, क्या इसलिए आपकी सरकार आगे बढ़ना चाहती है इस पर? नहीं, देखिए ये नहीं है, हर सिचुएशन में आपके डेमोक्रेसी में
चीज़ें जो होती हैं वो इवॉल्व करती हैं जी, कोई एक जगह बैठी ना नहीं रहती, और डेमोक्रेसी का मतलब भी होता है कि समय के साथ उसमें परिवर्तन भी आना चाहिए। तो आज जो दिख रहा है जिस प्रकार से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आप 70 की बात कर रहे हैं, उस समय जो खर्चे थे आज के खर्चे में बड़ा अंतर आ गया है जी। और जितने चुनाव आज भी राज्यों के होने लगे हैं और समय समय पर जिस प्रकार से एंटी डिफेक्शन लॉ भी लाने के बाद भी आप देख रहे हैं अस्थिरता का जो माहौल राज्यों के अंदर आया हुआ है, इस सब चीज़ों को देखते हुए आज ये व्यवहारिक हो जाता है। आप आर्ग्यूमेंट हमेशा हो सकते हैं मगर पीछे को देखते हुए ही खाली हम आज का निर्णय करें तो ये भी सही नहीं होगा। पीछे से हम सीख जरूर ले सकते हैं जी। तो सीख भी अच्छी रही है। आज अभी आपके एक एक्सपर्ट बोल रहे थे, यूएस का जिक्र दिया, यूके का दिया, जर्मनी का दिया, इनको भी हमने स्टडी किया था और ये देखा था कि वहाँ पे ये स्थिरता इन चुनावों में क्यों है, या यूके जैसी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, जिसका हम लोग भी पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, वो क्यों इस सिस्टम में उन लोग ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, इसको भी हमने स्टडी किया। तो ये सब पहलू को देखते हुए ही राजकिशोर जी हम लोगों ने ये सजेशन रखा कि इस देश के अंदर संभव है जी। संवैधानिक तरीके से भी आपके इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्ट्रोल रोल्स हैं उसके उसकी दृष्टि से भी, और जो रीजनल या सेंट्रल पार्टीज हैं उनके लिए भी ये क्यों लाभदायक होगा, ये सब चीजें देखते हुए हम लोग ने इसमें अपनी सहमति उत्तर प्रदेश से रखी थी। हाँ सिद्धार्थ जी, अभी एक मीटिंग खत्म हुई है अभी वन नेशन वन इलेक्शन पर, और इससे निकलते ही कांग्रेस के अध्यक्ष अभी हैं फिलहाल, आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं, राहुल गांधी ने निकलते ही वहाँ पर साफ साफ कहा है कि ये नरेंद्र मोदी की मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ममता अपना रुख स्पष्ट कर चुकी हैं, मायावती, अखिलेश, चंद्रबाबू नायडू सारे लोग अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। जब इस तरीके का विरोध है ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जरूरी कि पहले एक राजनीतिक सहमति बने, क्योंकि बिना विपक्ष को बोर्ड पर ऑन बोर्ड लिए ये संभव नहीं होगा। तो ये कवायद पहली मीटिंग में ही असफल होती नज़र नहीं आ रही जिस तरीके के बयान आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता देखिए कि असफल है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले ही और एक साल डेढ़ साल पहले ही उन्होंने कह दिया था कि ये एक इस पर बहस होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए और उसी के बाद इसको लागू करेंगे। तो उन्होंने अपनी मंशा बहुत पहले कह चुके थे, चुनाव के बाद उन्होंने लिया। तो अब ये जो है कि मुद्दों से भटका रहे हैं, अभी तो चुनाव ही खत्म हुआ, एक महीने तो हुए नहीं है, मुद्दों से क्या भटकाएंगे, आपने कितने मुद्दे उछाल दिए राहुल गांधी जी, आपको उसका भी रिजल्ट नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें जो तर्क हैं ये गले के नीचे भी नहीं उतरेगा किसी के। हाँ फाइनल जो डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में है ये पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग नहीं है राजकिशोर जी, ये जनता होती है, ये जनता में भी डिबेट का विषय बनने वाला है जी। और बनाने वाले आप लोग ही हैं और ये एक सकारात्मक डिबेट होगी, इस पे देश की जनता किस तरफ जाती है वो ही निर्णायक होगा, वो ही सरकारों को आगे ले जाएगा और वो उनके प्रतिनिधि इस पे जब बहस करेंगे दोनों हाउसेस में और विधानसभाओं में तो एक रिजल्ट सामने आएगा। उसके बाद एक संवैधानिक संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबकी सहमति से नहीं बना था, उसमें भी विरोध था मगर जब बना तो एक मेजॉरिटी ने उसमें हाँ करी, फिर आगे बढ़े। सिद्धार्थ जी चूंकि देखिए हमारे साथ यहाँ संविधान विशेषज्ञ रमाकांत जी भी बैठे हुए हैं, तो मैं डिबेट में नहीं लेकिन उनके कुछ प्रश्न हैं बात में करते करते उन्होंने उठाया, तो मैं चाहूँगा जल्दी से रमाकांत जी जो सवाल आपके जेहन में उठ रहे थे तो एक बार सिद्धार्थनाथ सिंह जी से जरा आप वो पूछें। देखिए जब हम बात करते हैं सबसे बड़ा जो इसका नुकसान होगा वो नुकसान होगा क्षेत्रीय दलों को। अगर हम उड़ीसा का उदाहरण जरूर ले सकते हैं पर उड़ीसा का उदाहरण एक अलग उदाहरण है। आप ये देखें कि जहाँ रीजनल पार्टीज़ को वोट किया जाएगा वहीं अगर उसके चुनाव केंद्रीय सरकार के चुनावों के साथ रखे जाएंगे तो जो दल को व्यक्ति चुनाव में वोट देगा उसके लिए पहली चॉइस वही दल होगा जो दल को वो केंद्र में चुन रहा है। संवैधानिक इसमें कोई समस्या है रमाकांत जी? संवैधानिक बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे संविधान के ढांचे को चेंज करना पड़ेगा, जहां तक चुनावी ढांचा है
संविधान का, उसमें चार अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। तो वो संविधान में संशोधन आज एकदम बिना विपक्षी दलों की सहमति के और सन्मति के हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा प्रश्न। ठीक है सिद्धार्थ जी, आप जवाब दीजिए। दो सवाल हैं जो जो हम मुझसे पूछ रहे थे, मैंने सोचा कि सीधे दो चीज सवाल करे हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दो सवाल जो उन्होंने रखे हैं, पहला तो उन्होंने उड़ीसा कह दिया, मैं उनको आंध्रा भी गिना देता हूँ। आंध्रा में जो केंद्र में बीजेपी आई और मोदी जी को समर्थन दिया, उन्होंने लोकसभा में वही वोटर ने जगन रेड्डी को दिया और वहाँ पे एक और रीजनल पार्टी, तो उन्होंने अपना चॉइस वहाँ पे व्यक्त करी है। तो वो एक शक्ति है हमारे लोकतंत्र की और उनकी खुद के विवेक की है वोटर्स की, इसको हम लोग को नकारना नहीं चाहिए। दूसरा, जो चार जगह आपने संशोधन किए, ये सही बात है, इन चारों में संशोधन आएगा, मगर संशोधन जो संविधान में होता है, रमाकांत जी आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं, वो बाहर नहीं होता, वो संसद के अंदर होता है या विधानसभा में होता है, और वहाँ पर भी डिबेट होती है और जो प्रतिनिधि होते हैं वो दे अपना मत रखते हैं। अब जिसका भी उसमें वहाँ पे जिसकी जीत होती है, जिस विषय पे जीत होती है, कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस होता है, वो ही फिर आपका एक्ट बनेगा, वही संशोधन कहलाया जाएगा। तो वो भी एक प्रक्रिया है लोकतंत्र की, जो संविधान ने ही लागू की है, किसी और ने नहीं करी है, तो वो शक्ति भी वहीं से मिलती है। तो वो भी एक होएगा, तो उसमें भी देखा जाएगा क्या होता है, मगर एक बहस छिड़ी है, इस बहस को हमें रोकना चाहिए नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। नहीं नहीं देखिए, चर्चा आगे बढ़े और इसीलिए ये चर्चा कराने का उद्देश्य ही था, तभी हमने आपको भी आमंत्रित किया और हमारे साथ अन्य विशिष्ट अतिथि भी यहाँ पर हैं। एक चीज़ है इसमें, देखिए जो आपने उदाहरण दिया आंध्र प्रदेश का, चाहे जगन रेड्डी हो चाहे नवीन पटनायक हो, ईमानदारी की बात है कि ये लोग नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर उस तरीके से स्टेक होल्डर्स थे नहीं, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं था, वो उतना उस तरीके से चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे। लेकिन तमाम ऐसे राष्ट्रीय दल हैं, तमाम जैसे वाम दल हो गए, कांग्रेस हो गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा उनका टकराव होता है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी कहीं पर होती है, तो वहां पर ऐसी स्थिति में ऐसे दलों को नुकसान हो सकता है। देखिए मुझे नहीं लगता है, कहीं उनको नुकसान की बात करते हैं तो कांग्रेस को छोड़ दें, वामपंथी दल का तो अपने खुद ही राज्यों में पकड़ नहीं है, जहां पे थे अब तो उनका कहीं भी नहीं है, तो उन लोगों का अपना अधिकार होता था, मुद्दे खाली वो कंबाइन हो जाएंगे ये ऐसा नहीं होता होएगा, ये मेरा मानना। और उसके लिए भाई उदाहरण ही आपको दे सकते हैं जो अभी आपके सामने मौजूद हैं, कोई तीसरा राज्य है नहीं। और दूसरा उदाहरण हो सकता है कि भाई जब देश आज़ाद हुआ था और 60 तक के जब चुनाव हो रहे थे, वो जो चुनाव थे आपके एक साथ होते थे, उसका लाभ भी सबको पता है। तो इसलिए ये सोचना कि आपके मुद्दे जो हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे और राज्य के मुद्दे दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, इसलिए रीजनल पार्टीज को नुकसान होएगा, मेरा मानना है ये ऐसा होता नहीं है। अच्छा सिद्धार्थ जी, मैं ये सवाल उत्तर प्रदेश से सीधे जुड़ा हुआ आपसे पूछ लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप, अगर ये फार्मूला लागू होता जो आपने सुझाव आपकी कमेटी ने दिया है, तो उस सुझाव के लिहाज से तो ये एक तरीके से 2024 तक लोकसभा के तक चला जाएगा, दो साल आगे चुनाव बढ़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कोई राजनीतिक दल क्यों तैयार होगा? क्योंकि जो आपने कट ऑफ डेट एक बनाने की बात कही है, जो मैंने फार्मूला देखा है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इसी तरीके से तमाम राज्य जहां पर ज़्यादातर जगह भारतीय जनता पार्टी ही फायदे में होगी, तो विपक्ष आपके साथ क्यों आया ऐसी स्थिति में? देखिए ये जो हम लोग ने जो सुझाव दिया है, तो उसमें किसी को फायदा होएगा, किसी राज्य को नुकसान होएगा, और भारतीय जनता पार्टी के अनेक राज्य हैं जिनको इसका नुकसान भी होएगा, क्योंकि उन लोगों का चुनाव जो है वो प्रीपोन हो जाएगा, वो पहले होने लगेगा, 2024 को हम लेके चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी में फायदा है किसी में मतलब सभी को, हम ही लोगों को फायदा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें आज देश के अंदर, तो फायदा और नुकसान दोनों एक साथ चल रहा है। तो कब ये सोच के कि हमें दो साल मिल जाएगा इसलिए ये फॉर्मूला अच्छा है, तो मेरे ख्याल से जितनी मेहनत हमने करी है उसकी उस रिपोर्ट पे राजकिशोर जी थोड़ा सा न्याय नहीं मिलेगा हमें। चलिए ठीक है सिद्धार्थ जी, आप हमसे जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम लगातार अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और सिद्धार्थ जी फिर आपके पास भी बाद में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए सिद्धार्थ जी।
अब मैं फिर आऊँगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। मैं रमाकांत जी ने भी एक अपनी चिंता उठाई किस तरीके से छोटी पार्टियाँ क्षेत्रीय दलों के लिए समस्या हो सकती है, लेकिन इससे पहले जो बड़ा सवाल है, सिर्फ रामदत्त जी आपको क्या लग रहा है कि उनको जो दल हैं राजनीतिक दल अन्य जो भाजपा से इतर हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं उनकी चिंता वाकई ये है कि इस तरीके की व्यवस्था में संघीय ढांचे को खतरा पैदा हो जाएगा या उनको व्यक्तिगत तौर पर नुकसान होगा या फिर सिर्फ मोदी ने चूंकि ये फार्मूला दिया है इसलिए इसका विरोध करना है, चूंकि हमने इस तरीके की भी सियासत देखी है, आप विश्लेषक के तौर पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये फार्मूला नया नहीं है और ये प्रधानमंत्री जी ने पहले काफ़ी पहले कई साल पहले ये फार्मूला दिया था, लेकिन उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया पूरे 5 साल। अगर वो चाहते तो उसके पहले जैसे 3 राज्यों के चुनाव हुए या उसको उनको आगे पीछे करके साथ में वो पिछला जो लोकसभा चुनाव अभी मई में हुआ उसके पहले उनको अमली जामा पहनाने के लिए इसकी कोशिश करनी चाहिए थी, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो मौजूदा नियम कानून के चलते ही 52 से लेकर 67 तक तो चुनाव एक साथ हो रहे थे, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम अब इसलिए आई कि आप देखिए जो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ तो उसमें ये देखा गया कि जैसे उत्तर प्रदेश में ही 26 सरकारें आई, गठबंधन की सरकारें आई, कई राज्यों में इस समय गठबंधन की सरकार चल रही है, देश के स्तर पर गठबंधन की सरकार चला आई, जैसे वीपी जनता पार्टी आई टूट गई, वीपी सिंह आए जनता दल आए फिर टूट गए, वो चंद्रशेखर जी आए कांग्रेस आए। तो मुझे नहीं लगता कि आज की जो राजनीति में है आप पार्लियामेंट का या किसी राज्य विधानसभा का टर्म एकदम फिक्स कर सकते हैं कि 5 साल या 7 साल ही चलेगा। अभी कश्मीर में गठबंधन टूट गया तो ये मुझे व्यावहारिक नहीं लगता, एक बात। पहली बात तो ये व्यावहारिक ही नहीं लगता कि आप कार्यकाल कैसे एक साथ चलाएंगे, एक बात। दूसरी बात, क्षेत्रीय दलों को जाहिर है कि आशंकाएं होंगी क्योंकि उनको लगता है कि जब बीजेपी में इतने प्रभावशाली नेता हैं इस समय मोदी जी और वो प्रचार के लिए आएंगे उनकी तरफ से और हमारे पास उतने साधन नहीं होंगे या हमारी अगर उतनी अपील नहीं होगी तो हमें नुकसान हो सकता है, खास करके विधानसभाओं के चुनाव में। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुख्य तर्क दिया जा रहा है खर्च का और आचार संहिता का, तो आचार संहिता का तो देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूँ कि सारे राजनीतिक दल मिल करके जो आचार संहिता में अनावश्यक पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, जिन चीज़ों का बजट पास है ऑलरेडी, ये तमाम चीज़ों में उनको कम करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एकदम चुनाव आयोग के उसमें आ जाए, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ तक खर्च करने की बात है, तो अगर एक साथ ना भी हो चुनाव तो खर्च क्यों नहीं कम किया जा सकता है? आज ये इतना टीवी पे अखबारों में विज्ञापन पे खर्च हो रहा है, चुनाव आयोग का खुद का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर आप तुलना करिए, बजट निकालिए तो चुनाव आयोग खूब बहुत अनाप शनाप खर्च करने लगा है तमाम चीज़ों पर, और खर्च तो राजनीतिक दल कम कर सकते हैं। क्या जरूरी है कि हेलीकॉप्टर और स्पेशल जो है विमान किए जाए? तो खर्च कम करना चाहिए, आचार संहिता की दिक्कतें कम करना चाहिए, और अगर सहमति हो, आम सहमति हो, तो एक साथ भी चुनाव हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम सहमति हो पाएगी। देखिए रामदत्त जी, आप भी जानते हैं कि राजनीति जो है साफ साफ इस पर चलती है, दूसरों को नसीहत खुदरा मियां फजीहत, तो वो जो चीज़ खुद को फायदा पहुंचाती है दूसरों को ना करने दिया जाए वो किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर पीएम त्रिपाठी भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, संविधान विशेषज्ञ। मैं बाद में मनीष शुक्ला जी के पास भी जाऊँगा, आखिरी में उनसे सवाल लूँगा। तो त्रिपाठी जी, मुझे ये बताइए आप कि ये चुनावी प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों होती है? संविधान एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, अभी हमने लोकसभा चुनाव देखा, 7 चरणों में चुनाव होता है, 1.5-1.5 महीने तक, 3-3 महीने तक पूरी चुनाव तैयारियां चलती हैं, इनको जल्दी से जल्दी करा के क्यों नहीं इसको जल्दी समेटा जाता है? ये सब वाकई इसको कराने की ज़रूरत है क्या? देखिए, चुनाव आयोग के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना न सिर्फ संवैधानिक बाध्यता है बल्कि राष्ट्रीय हित में भी है, और इसके लिए आवश्यक है कि जहां भी कहीं चुनाव आयोग को, जिला प्रशासन को या संबंधित मशीनरी को ये लगता है कि यहां गड़बड़ियां हो सकती हैं, शांति सुरक्षा को कोई ख़तरा हो सकता है या कोई अन्य प्रकार की समस्या आ सकती है, उसके लिए उन्हें पहले से इंतजाम करने होते हैं, उसके लिए सुरक्षा बलों की आवश्यकता होती है, बड़ी संख्या में सरकारी मशीनरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है। अब EVM के इस दौर में ये भी देखना पड़ता है कि बार बार उसकी टेस्टिंग हो,
ये चेक कर लिया जाए, ये इंश्योर किया जाए कि सारे ईवीएम सही काम कर रहे हैं, फिर पोलिंग स्टेशन बूथ ऑफिसर उस लेवल पर वोटर लिस्ट पर वोटर पर्चियां घर तक पहुंचे, ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए एक आध दिन एक आध हफ्ते पर्याप्त नहीं है। और इसमें स्वाभाविक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां इतनी बड़ी आबादी है और लगातार हमारे 18 साल के ऊपर के युवा वोटर हर वर्ष बढ़ रहे हैं, तो वोटर लिस्ट का अपग्रेडेशन भी करना है, रिविजन भी करना है। बहुत सारे हमारे वोटर लिस्ट से ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ की वजह से या स्थान बदलने की वजह से या कहीं और चले जाने की वजह से उनका नाम अब वोटर लिस्ट से हटाना भी है, इसके लिए इंतजाम करने ही पड़ते हैं, उसमें समय लगता है। लेकिन अगर आप सच में देखें तो बार बार होने वाले जो ये चुनाव हैं इनमें तमाम बुराइयां हैं, खर्चा बढ़ जाता है, ये तमाम दिक्कतें हैं, जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता है, शासन प्रशासन ठप होकर केवल चुनाव में ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन लोकतंत्र में आप इसकी खूबी भी देखिए कि ये राजनीतिक दलों पर लगातार दबाव बनाए रखने का भी काम करते हैं, ये राजनीतिक दलों को निरंकुश होने से भी बचाते हैं, ये राजनीतिक दलों को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आज अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हम यहाँ की जनता से कोई वादा कर रहे हैं तो कल को हमें बिहार के भी चुनाव में जाना है, परसों हमें दूसरे राज्यों के चुनाव में जाना है, उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव लगे। बिल्कुल, तो ये राज्य की आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल निरंकुश उभरती हुई शक्तियां उसको भी रोकने का काम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर विपक्ष जी बिल्कुल लगता है जी जी आपने, मैं इसका जवाब दे लेता हूँ, संवैधानिक समस्याएं हैं वो तो हैं ही जी। डॉक्टर साहब मैं जरा मनीष शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूँ, चूंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है कि देखिए कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन में अगर एक बार चुनाव हो जाता है सभी पूरे देश का और राज्यों का, तो जिसका वर्चस्व स्थापित हो गया, जिसकी प्रभुता स्थापित हो गई, वो 5 साल तक उसको कोई छेड़ने वाला नहीं है। तो ये निरंकुशता को एक तरीके की जन्म देगा। और बार बार जो आरोप लगता है खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व पे जो विपक्ष की तरफ से आता है कि लगता है कि उनको थोड़ा सा एक तरीके से गाइडेड डेमोक्रेसी की तरफ वो लेके जा रहे हैं देश को, ये बार बार विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है। तो ये निरंकुशता या जिसको कहते हैं कि पूरी अथॉरिटी की जो बात कही जाती है उस पर और ज़्यादा अंकुश ना रहे, इसीलिए ज़्यादा कवायद की जा रही है आपकी पार्टी की तरफ से मनीष शुक्ला जी। देखिए राजकिशोर जी, वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद 2003 से शुरू हुई, तब से लेकर आज तक एक लंबा कालखंड बीता और तमाम तरह की राय शुमारी हुई है। और इसमें अभी जो चर्चा आप लोग कर रहे हैं कि इसमें धन का क्या लाभ हानि है, इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं। एक तो आचार संहिता के नाते से जो नुकसान होता है वो एक बड़ी बात है, और हम आप केवल विधानसभा और लोकसभा की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी चुनाव होते हैं देश में, MLC का चुनाव होता है, राज्यसभा का होता है, नगर पंचायतों के चुनाव होते हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं। तो इसको केवल ये मत मानिए कि केवल दो चुनाव ही होते हैं। दूसरा, अभी इसी 2019 को अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव का बीता, फिर एक लंबा चुनाव का प्रचार और अन्य काम हुए लोकसभा के, और अभी इसी 19 में महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होंगे, 20 में फिर झारखंड दिल्ली बिहार के होंगे, और 21 में 5-6 राज्यों के चुनाव होने बाकी हैं। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के हितों के लिए देश चलाना है कि देश को ठीक रखने के लिए चुनाव कराना है, पहले तो ये बात समझने की जरूरत है। हमको लगता है कि राष्ट्र कैसे चलेगा, देश का विकास कैसे होगा, इसके लिए सारी कवायद होनी चाहिए, न कि कुछ क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा कि राष्ट्रीय दल को नुकसान होगा। अभी आदरणीय रामदत्त जी ने कहा कि विपक्षी दल में ये व्याप्त है कि मोदी जी विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, तो भैया मोदी जी तो एक साथ चुनाव होगा तो भी जाएंगे, और नहीं होगा तो भी जाएंगे, और अगर अलग अलग होगा तो और आसानी से खाली रहेंगे, ज़्यादा जाएंगे। तो अगर यही भय है कि मोदी जी चले जाएंगे, तो हमको लगता है कि अपने नेताओं को डेवलप करना चाहिए, अपनी व्यवस्थाओं को डेवलप करना चाहिए राजनीतिक दलों को, इससे नहीं भयक्रांत होना चाहिए कि अगले दल में इस तरह के नेता हैं, विकास करने वाले नेता हैं, जिनकी छवि अच्छी है और वो उनकी छवि ऐसी है कि लोगों का विश्वास उन पे है, तो अपने नेताओं को ऐसा डेवलप करिए कि उनके ऊपर विश्वास डेवलप हो, तो मोदी जी से आप मत डरिए। तो ये मूल विषय ये है कि राष्ट्र के लिए जरूरी क्या है, हितकारक क्या है। तो हमको लगता है वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्र के लिए ज्यादा हितकारक है, तमाम इश्यूज हैं, मैं इस पे गुरेज नहीं करता। और मुझे एक बात की आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी होने के नाते कि आखिर अगर डिबेट के लिए आपको आमंत्रित किया गया है तो आप जाके अपना विषय तो रखिए, आपने
बैठक का बहिष्कार करके ये संदेश दे दिया कि आप डिबेट भी नहीं कर सकते। ये तो वही हाल हो गया जैसे ईवीएम में, ईवीएम में कहा कि आपने कि ईवीएम में हैक होता है, जब चुनाव ने बुलाया तो आप गए ही नहीं, तो डिबेट से क्यों भाग रहे हैं? और वो तथाकथित लोग जो अपने को बताते हैं कि लोकतंत्र में हमारा भरोसा है, तो लोकतंत्र की सबसे बड़ा भरोसा तो यही इसी से निकलता है ना कि आपस में वाद संवाद हो, और उस संवाद से भी भाग रहे हैं जो लोग, वो कैसे लोकतंत्र के समर्थक हैं? ठीक है मनीष जी, जो सवाल आपने उठाया, आपने कहा कि अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सबका आपने उल्लेख किया, लेकिन आप अपने राज्यों का उल्लेख करना भूल गए। हरियाणा था आपका, महाराष्ट्र था, इसके साथ तमाम आपके राज्य थे, उनका क्यों नहीं आपने एक साथ में चुनाव करवाया? हमने कहा नहीं, उनका आपने क्यों नहीं करवाया? आपने नजीर क्यों पेश नहीं किया? आपने कहा कि राष्ट्र हित में जरूरी था तो मोदी जी को एक साथ चुनाव करवा लेना चाहिए था, 6 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहे थे। जी नहीं नहीं राजकिशोर जी, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैंने ये कहा कि अभी लोकसभा के पहले इन 3 राज्यों का हुआ, अभी लोकसभा के बाद हरियाणा महाराष्ट्र का होगा, अगले साल झारखंड दिल्ली बिहार का होगा। हमने कहा कि पैक है पूरा, अगर आप देखेंगे तो कहा हर साल क्यों नहीं दिया आपको अपने राज्यों में किसने रोका था? मनीष जी, किसी साल में 4 जगह आपको अपने राज्यों में किसी ने रोका नहीं था ना, वहां तो आप करवा के नजीर पेश कर सकते थे ना। आप अपने राज्यों में तो चुनाव करवा के नजीर पेश कर सकते थे। देखिए राजकिशोर जी, हमारी पार्टी एक व्यवस्था बनाने के पक्ष में है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आए व्यवस्था में, उसके नाते से आज मीटिंग ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई थी। सबको अपना अपना विषय रखना चाहिए, हमको ये लगता है कि लोकतंत्र में जिसका विश्वास हो तो कम से कम अपना विषय और संवाद से तो नहीं भागना चाहिए। और ये आज का नहीं है, 2003 से चला आ रहा है, तो हम लोग उस तरह हमने उस तरफ कदम बढ़ाया है। वन नेशन वन टैक्स की बात हमने की थी, लोगों ने इसी तरह हंसी उड़ाई थी, बाद में पास हुआ, तो हम प्रयास करेंगे देश के हित में जो भी कदम होगा, जो भी विचार होंगे उसको जनता के सामने रखेंगे। और डिबेट का इशू है, जनता के सामने जाएगा। अभी सिद्धार्थ जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब आप लोग सब लोग डिबेट करेंगे, जनता में जब डिबेट से जब बात उभर कर सामने आएगी तो जनता जब कहेगी तो निश्चित रूप से सभी को मानना पड़ेगा, चाहे बीजेपी हो या अन्य दल हो। ठीक है मनीष जी, चलिए मैं रमाकांत जी फिर आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि कुल मिला के वन नेशन वन टैक्स की बात तो जो मनीष जी ने कही उसमें निश्चित तौर पे भले ही कांग्रेस लागू ना कर पाई हो, लेकिन यूपीए के समय से जीएसटी को लेकर लंबी चर्चा चल रही, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शरीक थी, और उस समय इंटरेस्टिंग बात है कि उसका सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले नरेंद्र मोदी जी थे, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन खैर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, जो हुआ सो हो गया, बीतीत आए विसार के आगे की सुध ले कहा जाता है। लेकिन रमाकांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आप कह रहे थे कि ये 4 जो संविधान संशोधन होने और जो एक व्यवहारिकता की बात आ रही है, और जो राजनीतिक जो मुश्किलें हैं वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन संवैधानिक तौर पर ये कितना वायबल है, कितना इसको आसानी से या दुष्कर होकर किया जा सकता, या आपको लगता है ये संभव ही नहीं है? देखिए ये संभव है, क्योंकि ये आज ये संभावना थी, संभावना की अभिव्यक्ति नीति आयोग ने जनवरी 2017 में दी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक डिटेल लोगों से सबसे, इसमें बात ये नहीं है कि जनता का कहीं कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा, जनता से विधि आयोग ने देश के तमाम लोगों से, संस्थाओं से, राजनीतिक दलों से, सबसे विधिक आयोग ने सलाह मांगी, और उसके बाद अगस्त 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट दी, और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, कि इन 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये भी था कि भाई ये जिन 12 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में चुनाव हुए, उनके चुनाव एक साथ कराए जा सकते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के साथ, एंड यहाँ वो नहीं हुआ। तो अगस्त 2018 से ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट पड़ी रही, 2019 में शायद इनको अब सूट किया तो उन्होंने अब ये मुद्दा उठाया है, बट ये संभव है, पहली बात। दूसरी बात, तो संविधान संशोधन में इन्हें राज्यसभा में भी बहुमत चाहिएगा, और लोकसभा में तो बहुमत है ही, उपलब्ध है ही है, पर उसके अतिरिक्त इसमें इन्हें स्टेट गवर्नमेंट से कम आधा नंबर ऑफ स्टेट से इन्हें समर्थन चाहिएगा, ये बिना स्टेट्स की सम्मति के वहाँ ये काम नहीं कर सकते। जो दूसरी बहुत बहुत विशद समस्या दिख रही है, जो बहुत रियलिस्टिक है और बहुत प्रैक्टिकल है, वो पॉलिटिकल भी है और संवैधानिक भी है, कि 2021 में 16 स्टेट्स में चुनाव आने हैं, 16 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में पांडिचेरी में चुनाव आने हैं, तो वहाँ जो चुनाव आने हैं उनका कार्यकाल, एक तो लॉ कमीशन ने कहा कि आप उसको 2024 तक ही रख लीजिए,
या उन ये जो प्रेजेंट असेंबली है इसको आप 2024 तक एक्सटेंड कर दीजिए। तो इन्होंने एक या को तो छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के में सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने जिस रिपोर्ट की चर्चा की उससे पहले लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट दे चुका था, तो लॉ कमीशन ने बहुत स्पेसिफिकली कहा या तो 2021 तक से 24 तक ही रख लीजिए, इसको 3 साल कर लीजिए, या जो चुनाव करा दें आप इन स्टेट्स में उन चुनावों को 2000 उसका कार्यकाल 2024 में समाप्त कर दीजिए और फिर सबके एक स्टेट एक नेशन के चुनाव करा लीजिएगा, एक एक नेशन एक इलेक्शन। अब इसमें ये तो रही बात संविधान की, ये बात रही कानून की। मनीष शुक्ला जी ने एक जहां जीएसटी की बात की तो जीएसटी पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा मनीष जी, आज भी वो टीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत बहुत विकट समस्याएं जीएसटी के एप्लीकेशन में आ रही हैं आप के एक सिस्टम ने। मैं पार्टी पर नहीं आऊंगा क्योंकि मैं राजनीति से बहुत सरोकार नहीं, मुझे लगता है हम विषय से थोड़ा सा मैं उसी पे वापस ला रहा हूं सर, क्योंकि हम उसी पे वापस लाते हुए इसके जनता की रेलेवेंस ला रहा हूं कि जीएसटी की समस्याएं हम आज भी सुलझा नहीं पाए हैं। तो जीएसटी मुद्दा था केंद्र का, एक डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के हमने एक टैक्स किया। आज जनता का प्रशासनिक मुद्दा एक बहुत छोटे से, हम एबीपी गंगा पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों की ही अगर बात करें तो जो रिमोटेस्ट एरिया में लोग रहने वाले हैं उनके मुद्दे केंद्र सरकार के इलेक्शन से कहीं कहीं नहीं पार खाते, कहीं सामंजस्य नहीं है, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। तो क्योंकि दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है इसलिए उनके मुद्दों को केंद्र की जो पार्टी होगी वो कभी शायद ध्यान भी नहीं दे पाएगी, शायद सरोकार भी नहीं होगा। आज हमने बहुत बड़े बात की थी, एक वायदे किए थे कि साहब सबको 2022 तक घर दे देंगे। आज भी दिल्ली शहर में आप देख सकते हैं लोग पुलों के नीचे सड़क पर सो रहे हैं, सड़क के किनारे आप सो रहे हैं। तो वो जो मुद्दों को आप पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो पार्टी चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, तो जो मुद्दों की बात जो वायदों की बात होती है, वायदों का जो टेस्टिफिकेशन होता है जो उसको वेरीफाई कर पाए, जो टेस्टिफाई कर पाए, जो बात आप कह रहे थे बात डॉक्टर त्रिपाठी ने भी यही बात कही थी कि किस तरीके से चुनाव लगातार होते रहते हैं तो कम से कम एक अंकुश होता है, एक दबाव होता है कि आप किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। रामदत्त जी, कुल मिला के संवैधानिक प्रश्न तो अपनी जगह हैं लेकिन व्यवहारिक और जो राजनीतिक और जो सामाजिक प्रश्न है कि वाकई इस तरीके की व्यवस्था क्या उचित है भारत जैसे जीवंत लोकतांत्रिक समाज में? रामदत्त जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? रामदत्त जी आपसे, मुझे लगता है रामदत्त जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी डॉक्टर साहब, जो सवाल मैंने रामदत्त जी से पूछा था वही सवाल मेरा है आपसे कि एक बात बताइए कि जो बात आपने कही थी मैं उसी का एक्सटेंशन बढ़ा रहा हूँ। आप देखिए जी, अभी हम लोगों को बहुत सारे ये उदाहरण बताए जाते हैं कि जर्मनी में ब्रिटेन में एक साथ चुनाव होता है। भारत जर्मनी और ब्रिटेन नहीं है जी, एक ही समय में एक ही वक्त में यहाँ पर तरह तरह के मौसम हैं, यहाँ पर 100 से ज़्यादा बोलियाँ बोलने वाले लोग हैं, यहाँ पर दुनिया के हर धर्म के अनुयायी रहते हैं, यहाँ पर क्षेत्रीय भौगोलिक भाषाई निर्जातीय एंथ्रोपोलॉजिकल सोशल कल्चरल बहुत डाइवर्सिटी। ऐसे में आपको ये बहुत ध्यान देना होगा कि जब एक खाली लोकसभा का चुनाव कराने में 7 चरण लग जाते हैं और 3 महीने का वक्त लगता है, तो अगर एक साथ आप लोकसभा का चुनाव 29 विधानसभा का चुनाव प्लस 2 संघ शासित क्षेत्रों में 31 स्टेट असेंबली इलेक्शंस कराएंगे तो क्या 1.5 साल 2 साल चलेगी चुनाव की प्रक्रिया? यानी कि आपको ये देखना होगा कि हम सरकारी खर्च करने की बात कर रहे हैं, कम करना चाहिए, हम बात कर रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो बाइंडिंग है नहीं आज तक, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको लॉ का रूप नहीं दिया आज तक, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली ने एक भी कानून मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को बाइंडिंग बनाने के लिए या अगर उसका वायलेशन होता है तो उस पर कोई प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए, इसके लिए आज तक पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ नहीं किया। और अगर खर्चा कम करना है तो सबसे पहले सांसदों और विधायकों को जो
आप अतिरिक्त भत्ते देते हैं, जो आप उनके हर साल तनख्वाहें बढ़ाते हैं, उनको तमाम पर्क्स और प्रिविलेजेस देते हैं, उनको कम करिए। अगर आपको खर्चा कम करना है तो सरकार के तमाम प्रचार प्रसार के कार्यक्रमों पर टीवी से लेकर अखबार में दो दो तीन तीन चार चार पन्नों के बड़े बड़े ऐड जैकेट लगा करके छपते हैं, उसको कम करिए। अगर आपको खर्चा कम करना है तो ऐसे तमाम मैं उदाहरण गिना सकता हूं जिनमें गवर्नमेंट स्कीम्स में अगर खर्चा कम कर लिया जाए तो पूरे इलेक्शन के सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो मनीष जी जो बात डॉक्टर त्रिपाठी कह रहे थे, जी और संवैधानिक रूप से देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वन नेशन वन इलेक्शन इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज डिफिकल्ट। चलिए, हाँ या ना में, हाँ, हो सकता है जी, बिल्कुल मुश्किल काम जी, बिल्कुल यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा था। और मनीष शुक्ला जी, शायद ये चर्चा इसीलिए हो भी रही क्योंकि देखिए कोई किसी निष्कर्ष पर तभी पहुंचना चाहिए जब उसको पूरी तरीके से मत लिया जाए, बिना मत है मक्खन नहीं निकलता है। लेकिन जो प्रश्न उठाए डॉक्टर त्रिपाठी ने, गौर साहब ने उठाया, जो रामदत्त जी कह रहे हैं और जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, वो ज़्यादातर प्रश्न अनुत्तरित हैं। खर्चे कम करने का जो तर्क दिया जाता है और ये जो इतनी लंबी प्रक्रिया है, जो बताया गया कि किस तरीके से 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होता है, जब वाकई आप 31 राज्यों का चुनाव कराएंगे और पूरे देश का चुनाव कराएंगे तो कितने दिन कराएंगे और कितनी लंबी ये प्रक्रिया चलेगी और इससे हासिल आखिर क्या होने वाला है, इन सब विषयों पर भी क्या विचार विमर्श किया है आपकी पार्टी ने? देखिए, इंग्लैंड जर्मनी का नहीं, अपने देश का एग्जाम्पल लेते हैं कि 1951 से लेकर 67 तक एक साथ चुनाव हुए हैं, तो जर्मनी जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है दोनों व्यवस्थाएं यही उपलब्ध हैं कि 67 तक एक साथ चुनाव हुए हैं, 67 के बाद नहीं भी हुए हैं, तो तुलना यही हो सकती है। चूंकि जर्मनी और जगहों का एग्जाम्पल गौर साहब ने दिया था, उसका उत्तर त्रिपाठी जी ने दिया, इन दोनों लोग का मामला है। लेकिन मेरा ये कहना है कि दोनों व्यवस्थाएं इस देश में हुई है, कम संसाधन तब रहे होंगे, उनको लगता है 51 से लेकर 67 के बीच में, उसके बावजूद हो सकता है जनसंख्या थोड़ी कम रही हो, लेकिन भौगोलिक जो परिस्थितियां रही यही थी, संसाधन भी कम थे उस समय, इतनी ट्रेनें बसें नहीं रही होंगी, इतनी जल्दी मूवमेंट भी नहीं रहा होगा, तो भी हुए थे चुनाव। एक बात अगर ये कहा जाए कि इस कैसे होंगे, तो दूसरी बात देखिए, केवल आचार आदर्श आचार संहिता का ही नहीं सवाल है। जब चुनाव होते हैं तो आदरणीय रामदत्त जी भी, सब लोग बैठे हैं यहाँ से अनुभवी लोग हैं, उसके कितने दिन पहले ही हो जाता है कि प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं होंगे, कि चुनाव वोटर लिस्ट बननी है, वोटर लिस्ट बनती है, लोकसभा की अलग बन जाती है, विधानसभा की अलग बनानी पड़ती है, तमाम जो तैयारियां हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले शुरू हो जाती है, कम से कम 6 महीने पहले शुरू होती है, वो लोकसभा में भी शुरू होती है, विधानसभा में भी शुरू होती है। तो वोटर लिस्ट एक छोटा काम नहीं, ये बड़ा काम है और कम से कम साल भर चलती है प्रक्रिया। इसके अतिरिक्त खर्च तो मैंने पहले ही कहा, डिबेट के दौरान ही कहा कि खर्च की बात आप लोग कर रहे हैं, खर्च एक कारण हो सकता है, उसके संपूर्ण कारण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि अगर ये संभव हो पाता है, इस पर अगर देश आगे बढ़ता है, तो तमाम वो चीजें जो रुकावट है विकास के कामों में वो थोड़ा सा स्मूथ हो सकती है। तमाम जो ऑफिशियल लोग हैं इसका लाभ उठाते हैं कि चुनाव आने वाला है, उसको वो भी वाच करते हैं कि चुनाव आने वाला है तो थोड़ा रुक जाइए डिसीजन लेने में, तो ये तमाम जो व्यवहारिक बातें हैं, हमको लगता है कि सभी को ये बातें ध्यान में होंगी, वो चीजें उससे छुटकारा मिलेगा और जो विकास के काम है उसमें तेजी आएगी, देश के अन्य कामों में तेजी आएगी। केवल चुनाव कराने की मशीनरी बन के न रह जाए देश, इसके लिए ये जरूरी है। चलिए ठीक है, रामदत्त जी, मनीष जी कह रहे हैं कि चुनाव कराने की मशीनरी न बनकर रह जाए देश, इसलिए एक साथ चुनाव कराने जरूरी है, जबकि विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ती है, चुनाव कराती है, चुनाव के बारे में सोचती है, तो वाकई किसकी बात में ज्यादा दम है? ये तो सही है कि खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी और जो इस समय गृह मंत्री हैं वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये कहाँ कह रहे हैं? अरे तो अरे चुनाव अगर 10 बार होगा तो 10 बार लड़ेंगे, राजकिशोर जी, इसीलिए तो बात हो रही है। तो दीजिए, और किसी को इसमें कैसे आपत्ति हो सकती है कि चुनाव लड़ने तैयारी, बिल्कुल लड़ना चाहिए, राजनीतिक दल है
तो चुनाव लड़ेंगे। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, तो मैं कह रहा हूँ मोड में रहते हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव 10 अप्रैल को गए पहली रैली करने। भाई वो घर में बैठे रहे तो कोई क्या करे। आप तो पहली बार में आपने कहा कि विपक्ष डर रहा है कि मोदी जैसा व्यक्ति विधानसभा के चुनाव में चला जाएगा। ये हमारी मेरिट है, डिमेरिट नहीं। त्रिपाठी जी मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने पहले सरकारी खर्चे पर जाने कितनी मीटिंग करी है। अगर खर्चे का इतनी चिंता है तो सरकारी खर्चे पर प्रचार न करते, एक बात। खैर वो एक अलग बात है। मेरा मुख्य रूप से दो बातें कह रहा हूं। जब तक चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा तब तक ये चलेगा। सरकारी खर्चे पे आप कहां प्रचार कर रहे थे? क्यों कर रहे नहीं रहे थे? अच्छा खैर चलिए, मेरे सवाल का जवाब दे। देखिए अगर इस पे सहमति होती है, मैं कह रहा हूँ अगर सारे राजनीतिक दलों में इस पर आम सहमति होती है तो करें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब तक नहीं भी होती है तो ये खर्च का मामला जो है और समय क्यों नहीं कम हो सकता। यूपी में पहले दो फेज में चुनाव हो जाता था, तीन, अभी सात फेज की क्या जरूरत है? ये तो जानबूझ करके पॉलिटिकल दबाव से ये शेड्यूल बनवाए जाते हैं ना, तो वो शेड्यूल में टाइम कम रखिए, आचार संहिता की जो परेशानी उसको कम करिए। और दूसरी बात मुझे ये लगती है कि देखिए आज देश में सही बात में तमाम लोगों को एक आशंका है जी। उसको एड्रेस करना पड़ेगा, भले कोई कहे चाहे न कहे, कि ये जो लोग संसदीय लोकतंत्र है उसको वैसे ही इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म बना दिया गया कि केवल एक नेता है, बाकी कोई कैंडिडेट नहीं है और केवल नेता के नाम पर चुनाव होगा कैंडिडेट। कल को अगर ये तर्क दिया जाए कि साहब इस देश में डेमोक्रेसी बहुत महंगी है और एक देश एक पार्टी और एक नेता ही रहे तो फिर क्या होगा? लोग कहेंगे चीन में विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ एक पार्टी है और एक नेता है। तो मुझे लगता है ये सब नहीं, अब नई संसद चुनी गई है और जो वादे किए हैं उन पर अमल करें। और जो ये मुद्दा बाद में बहुत प्राथमिकता वाला नहीं है, पहली प्राथमिकता है बेरोजगारी। पटना में वहाँ बिहार में मर रहे हैं 150 बच्चे, ये प्राथमिकता नहीं है। तो पहले जो देश की समस्याएं हैं उसको एड्रेस करें। एक देश एक चुनाव हो, एक नेता एक पार्टी रहे देश में, ये सब बात की चीज है। ठीक है रामदत्त जी, और सभी अतिथियों को मैं, अब हमारा विदा लेने का वक्त आ गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी चर्चा हुई और इस चर्चा को हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे क्योंकि हमारे इस राजनीति के शो में कोशिश ये होती है कि हम चर्चा से निष्कर्ष की तरफ बढ़े। और निश्चित तौर पर 50 मिनट या एक घंटे के शो में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हम निश्चित तौर पर उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। और आज की चर्चा से ये तो साफ है कि देश में चुनाव खर्चीले होते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, और बार बार होने वाले चुनावों से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है, इसमें भी किसी को कोई शक नहीं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन खर्चों के लिहाज से और विकास के लिहाज से तो आदर्श स्थिति है, पर विपक्ष की आशंकाओं और उनके सवालों का जवाब ढूंढे बिना इस पर आगे बढ़ना सरकार के लिए आसान नहीं दिखता। ऐसे में मोदी सरकार इन चिंताओं को हल कर कोई फैसला कर लेती है, विपक्ष भी अपनी जिद छोड़कर सरकार का साथ देता है, तो विकास को नई गति दी जा सकती है। आज के लिए राजनीति में बस इतना ही। एक बार फिर आप दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया आपके प्यार और भरोसे के लिए। कल फिर हम हाजिर होंगे सियासत की नई इबारत लेकर, तब तक देखते रहिए आप एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी। सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा।